गाइस, आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है 30%, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज सेक्शन में। प्रोज सेक्शन में हमारे पास 11 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हो गए हैं, चलिए हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अ लेटर टू गॉड। तो ये ग्रीन टिक वाले जो होंगे ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, और जिनमें टिक नहीं लगे वो चैप्टर क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। तो पहला है हमारा अ लेटर टू गॉड, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में आ रहा है। नेक्स्ट नेल्सन मंडेला, इस चैप्टर को भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये चैप्टर जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक चैप्टर को हम लोग चैप्टर को अपने सिलेबस में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा द 100 डेज फर्स्ट एंड द 100 डेज सेकंड, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को क्या दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में जो तीन पार्ट है हमारे, वो तीनों पार्ट हमारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिस बिल, ये मिस बिल जो है ये चैप्टर हटा दिया गया है, रिड्यूस हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा मैडम राइड्स द बस, तो मैडम राइड्स द बस सिलेबस के अंतर्गत आता है, इसको हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट है हमारा द सर्मन एट बनारस, तो द सर्मन एट बनारस जो है हमारा, इस चैप्टर को भी सिलेबस के अंतर्गत मेंशन किया गया है। लास्ट है हमारा द प्रपोजल, तो द प्रपोजल चैप्टर जो है अपने सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे केवल 6 चैप्टर जो है प्रोज में, 11 में केवल 6 चैप्टर आ रहे हैं, बाकी के जो हमारे हैं चैप्टर वो सारे रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर सप्लीमेंट्री के रिड्यूस किए गए हैं। तो उसमें हम लोग एक बार नजर मारते हैं, तो इसमें है पहला चैप्टर ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। तो ट्रायंफ ऑफ सर्जरी जो है ये चैप्टर हमारा आ रहा है, सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा द थीप्स स्टोरी, तो द थीप्स स्टोरी भी हमारे चैप्टर में मेंशन किया गया है, हमें पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है हमारा द मिडनाइट विजिटर, इस चैप्टर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये इस चैप्टर को भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ये चैप्टर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस 30% रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत ये चैप्टर आते हैं, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, तो फूड प्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर को भी हमें पढ़ना है, ये हमारे अपकमिंग सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, ये 30% रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत आएगा, तो हमें इसको पढ़ने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हमारा द नेकलेस चैप्टर भी हमें पढ़ना होगा, ये हमारे सिलेबस में आ रहा है। वेल गाइस, तो ये हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसमें से 30% सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा द हैक ड्राइवर, द हैक ड्राइवर एक टॉपिक है, इसको भी क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये चैप्टर है आपका भोली, भोली चैप्टर जो है सप्लीमेंट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड में, इस चैप्टर को भी सिलेबस के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो सप्लीमेंट्री में हमारे टोटल चैप्टर है 10, और 10 में से हमें पढ़ने हैं केवल 5। ओके, अब चलो हम लोग चलते हैं पोएट्री सेक्शन में, पोएट्री में हमें कौन कौन सी पोएट्री पढ़नी है, कौन कौन सी हमारी आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है। तो इस हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें से हम बात करते हैं पोएट्री फर्स्ट, और नीचे लिखा हुआ पोएट्री। अब देखो, पहले पार्ट में जो हमने डिवाइड कर रखे हैं, ये पोएट्रीज हमारी आ रही हैं, उनमें से कौन कौन सी हैं, द डस्ट ऑफ स्नो, नेक्स्ट फायर एंड आइस, द टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल, द ट्रीज एंड फॉग, ये जो हमारी पोएट्रीज हैं ये हमारे सिलेबस में आ रही है क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट के, ये पोएट्रीज हमें पढ़नी होंगी। और जो हमारे रिड्यूस कर दी गई है पोएट्रीज, उनकी बात कर लें जरा, वो है हमारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये जो पोएट्री है इसको मेंशन नहीं किया गया है, ये 30% रिड्यूस सिलेबस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है द बॉल पोएम, ये भी नहीं आ रही है। नेक्स्ट है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये भी पोएट्री सेक्शन में रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट है फॉर एनी ग्रॉगरी, इस चैप्टर को भी हमारे पोएट्री सेक्शन से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ऊपर जो ग्रीन टिक आपको दिख रहा है वो पोएट्रीज अपने आ रही है, और जो रेड टिक दिख रहा है इसको आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोएट्री सेक्शन से क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। वेल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो, एंड आज के सेशन में हमने ये सीखा कि कौन सा हमारा 30% रिड्यूस सिलेबस है, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनकी हमने बात की, और जो आ रहे हैं उनकी हमने बात की। आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर को हम लोग कैसे तैयार करें कि हमारे बोर्ड पेपर में बढ़िया से मार्क्स आ सके।
Well guys, if you are new in this session and if you have not subscribed this channel yet, then please subscribe this channel for getting the upcoming videos on time. Well guys, we will meet in the next session with new topic. Till that time, stay home, be happy.